दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। तो दोस्तों, आज सपने की सीरीज़ में हमारा विषय है सपने में मेंढक, जिसे आप इंग्लिश में फ्रॉक कहते हैं, उसको देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इसकी साइकोलॉजिकल मीनिंग्स भी होती हैं और सिम्बॉलिक एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स भी होती हैं। और दोस्तों, फ्रॉक को बहुत पवित्र जीव के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि फ्रॉग जो होता है ना, वो एक पवित्र आत्मा है, लेकिन वह एक अगली आवरण में, मतलब एक असुंदर आवरण में घिरा एक बहुत खूबसूरत आत्मा है। यदि दोस्तों आप फेंगशुई की बात करें तो फेंगशुई में, और ख़ासकर चाइनीज़ जो वास्तुशास्त्र होते हैं, उसमें मेंढक को बहुत वैल्यू दी जाती है। और जगह जगह जो भी निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी फ्रॉक के जो अलग अलग प्रकार की उनकी मूर्तियाँ आती हैं या जो चित्र आते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, फ्रॉक एक का सपना रियली एक बहुत बेनिफिशियल सपना है, अगर एक मैं जनरलाइज बात करूं। इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं अगर साइकोलॉजिकल रूप से बात करूं कि यदि आप सपने में फ्रॉग को देखते हैं तो दोस्तों ये क्या बताता है। दोस्तों, चूंकि मेंढक जो होता है वह पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, तो यह क्या बताता है, एक नवीन ज़िंदगी को वो तुरंत अडाप्ट कर लेता है। इसी तरह से साइकोलॉजिकल मीनिंग अगर मैं फ्रॉक की बताऊं तो साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप सपने में बार बार मेंढकों को देखते हैं तो यह सपना इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में एक नया बदलाव, नया विचार आ रहा है, जो जिसका इमेज आपको माइंड आपको विभिन्न विभिन्न इमेजेस मेंढक की या टोड के रूप में दिख रहा है। और ख़ास कर यदि आप मेंढक को टोड के रूप में चेंज होते देखते हैं तो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव हो रहा है और आपका माइंड आपको इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, यदि मैं सिंबॉलिक मीनिंग्स की बात करूँ और विभिन्न अवस्थाओं जिसमें आप मेंढक को देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप सपने में कूदते हुए मेंढक देख रहे हैं, बहुत हैप्पीली चारों तरफ मेंढक कूद रहे हैं, तो दोस्तों बड़ा शुभ सपना होता है। यह सपना बताता है कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा गुड लक आने वाला है दोस्तों। और यह सपना यह बताता भी है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाने का अटैम्प्ट कर रहे हैं या आप टाइम लगा रहे हैं तो निसंदेह आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि सपने में आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पे मेंढक हैं, मतलब बहुत सारे मेंढक हैं या एक मेंढक है आपके दरवाजे पे है, और यदि वो नॉक कर रहा है और नॉक ना भी करे और आपके दरवाजे पे मेंढक है, तो रियली ये किस बात की नॉकिंग है, ये नॉकिंग है न्यू अपॉर्चुनिटी की। नवीन अवसर आपके दरवाजे पे है, मतलब आपकी ज़िंदगी में नवीन अवसर, अप्रत्याशित बदलाव आने वाला है। और इसके अलावा ये सपना एक तरफ से और भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में नए मित्र आने वाले हों या आपका कोई बहुत पुराना मित्र आपसे उसकी मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, यदि सपने में आप देखते हैं कि आप मेंढक को खा रहे हैं तो दोस्तों सपने में मेंढक को खाना यह बताता है कि आप अपनी लाइफ में, जो आपकी कमिंग लाइफ है, जो जिसे हो सकता है कि आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट या किसी बुरे पीरियड से गुजर रहे हो और सडनली आप बार बार फ्रॉक के सपने देख रहे हैं, तो ये सपना बताता है कि आपकी ज़िंदगी में पीस और रिलैक्समेंट आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो खुश हो जाइए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप सपने में देखते हैं कि पत्थर पे फ्रॉग बैठा हुआ है तो दोस्तों यह सपना नवीन अपॉर्चुनिटी के अलावा धन आगमन की ओर भी बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि आपके कारोबार या वर्क प्लेस में भी बदलाव होने वाला है और यदि आप इसकी ओर एफर्ट और टाइम देते हैं तो निसंदेह रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। दोस्तों, यदि सपने में आप मेंढक को मारते हुए देखते हैं, मतलब आप मेंढक को मार रहे हैं या आपने उसे मार दिया जान से, तो दोस्तों ये बताता है सपना कि आपके शत्रु या वे लोग जिन्हें आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, बहुत जल्दी आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, एक सपना बड़ा कॉमन भी होता है और बड़ा ही शुभ भी होता है, जैसे कि आप सपने में देख रहे हैं आपको मेंढक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, टटराने की आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों ये सपना बहुत अच्छा होता है, लेकिन विभिन्न विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न विभिन्न चीज़ों को बताता है। जैसे अगर किसान कोई व्यक्ति है जो खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसके लिए बताता है कि जो उसकी खेती है या जो उसका एग्रीकल्चर है, या बहुत अच्छी फसल की संभावना की ओर बताता है। और ख़ासकर यदि अविवाहित महिलाएं हैं और बार बार वह सपने में मेंढक की टर्राहट को सुन रही हैं, तो सपना बताता है कि उनको ज़िंदगी में निकट भविष्य में बहुत जल्दी एक अच्छा मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यह सपना नवीन मित्रता
और धन आगमन की ओर भी संकेत करता है। दोस्तों यदि सप्ते में आप देखते हैं कि पानी में आप मेंढक को देखते हैं कि मेंढक पानी में, तो दोस्तों ये सपना बताता है कि आपको सडनली किसी न्यू ट्रिप पे जाना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है वो ट्रिप केवल आपके कारोबार या वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, सकता है वो ट्रिप आपकी धार्मिक हो या वो ट्रिप आप अपनी फैमिली को लेकर इंजॉय के लिए जाएं, और हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं था लेकिन सडनली ऐसी कोई ट्रिप आपकी लाइफ में आ सकती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।